असलम स्टूडेंट्स आई एम वसीम कराम दिस इज दी थर्टी सेवंथ लेक्चर है इन सीरीज़ ऑफ़ फोर्टी फाइव लेक्चर्स ऑन डिजिटल लॉजिक डिज़ाइन कैसे हैं आप इन चाला अच्छे होंगे लास्ट लेक्चर में हमने डिस्कशन शुरू की थी एक एलिवेटर कंट्रोलर पर एक एलीवेटर है जो दो फ्लोर्स के दरमियान मूव करता है तो उसको कैसे कंट्रोल करना है उसका सिक्वेंशल सर्किट कैसा होगा स्टेट डायग्राम हमने बनाया था स्टेट टेबल्स बनाए थे और कुछ इनपुट लैचेज़ के बारे में बात की थी आज इंशाल्लाह डिस्कशन उस पर कंटिन्यू रहेगी आज मैं जो है रिवीजन जो है रिव्यू है लास्ट लेक्चर का उस पर थोड़ा सा ज़्यादा मैं टाइम लूँगा क्योंकि आज का लेक्चर जो है वो पिछले जो हमने कॉन्सेप्ट्स पढ़े थे उस पर बेस होगा सो आइए लास्ट लेक्चर को ज़रा रिव्यू कर लेते हैं लास्ट लेक्चर में बेसिकली हमने डिस्कशन शुरू की थी एक थ्री बेट अप एंड डाउन काउंटर को और उसको हमने देखा था कि कैसे हमने इम्प्लीमेंट करना है बाय प्रोग्रामिंग ए पी एल डी ए पी एल डी को प्रोग्राम uh, करना है फॉर दैट थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर बेसिकली हमने ये कहा था कि थ्री बिट अप एंड डाउन काउंटर जो है जे के फ्लिप फ्लॉप हमने पहले भी बनाया था यूज़ किया था अब क्योंकि जो पी डिवाइस है वो डी फ्लिप फ्लॉप यूज़ कर रही है तो हम अपना जो थ्री बिट काउंटर है उसको थोड़ा सा चेंज कर रहे हैं सो बेसिकली थ्री बिट काउंटर जो है हम डी फ्लिप फ्लॉप को यूज़ करते हुए हमने बनाया अगेन उसका स्टेट टेबल बनाया क्वे बुल इक्वेशंस बनाई और हमने सर्किट भी बना लिया उसका उसको हमने पी में कैसे इम्प्लीमेंट करना है बेसिकली वो एबल की जो लैंग्वेज है इनपुट फाइल है उसमें हमने पेन डेफिनेशनस बताई इक्वेशंस बताई और वैक्ट टस्ट वैक्ट बताए हमारी इनपुट फाइल तैयार होगी उसको हम प्रोग्राम कर सकते हैं दो मज़ीद हमने तरीके पढ़े थे एक जो है टूथ टेबल बजाय है कि आप एक सिक्वेंशल सर्किट को डिस्क्राइब करें इन द फॉर्म ऑफ इक्वेजन आप ट्रुथ टेबल के फॉर्म में डिस्क्राइब कर सकते हैं सो so, ट्रुथ टेबल बड़ा सिंपल है जितने भी इनपुट्स हैं वो आप बता दें और जितने भी आउटपुट्स हैं कॉरस्पॉन्डिंग आउटपुट्स हैं वो बता दें तो वो एक टेबल की सूरत में आ जाएंगे वो अगर आप प्रोग्राम फाइल में लिख देंगे उसको वो इम्प्लीमेंट कर देगा तीसरा जो तरीका है जो पहले हमने नहीं पढ़ा था वो पिछली दफ़ा ही हमने देखा था स्टेट डायाग्राम सो स्टेट डायाग्राम जो है किसी भी सिक्वेंशल सर्किट का वो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं इन द फॉर्म ऑफ स्टेटमेंट्स सो एबल प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में स्टेटमेंट्स लिखेंगी लिखेंगे जो कि उस ब्लॉक डाग जो स्टेट डायग्राम है उसको रिप्रेजेंट कर रहा होगा सो so, बेसिकली हमने दो नई स्टेटमेंट्स पढ़ी थी इफ़ देन एल्स और गो टू इफ देन एल्स हम ये कह रहे थे कि कोई भी इनिशियल स्टेट है जब भी क्लॉक ट्रांजिशन हुआ डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल इनपुट आप किसी एक स्टेट पे शिफ्ट कर सकते हैं या स्विच कर सकते हैं या किसी और वाई स्टेट पे स्विच कर सकते हैं सो so, अगर आपके पास ऑप्शन हो डिपेंडिंग ऑन द एक्सटर्नल इनपुट तो आपको इफ़ देन एल्स वाली स्टेटमेंट इस्तेमाल करनी पड़ेगी आप कंडीशन चेक करेंगे अगर कंडीशन ट्रू है तो आप एक स्टेट पर स्विच कर जाएंगे अगर कंडीशन फॉल्स है आप किसी और स्टेट पर स्विच कर जाएंगे अगर आपका जो काउंटर है उसमें या कोई भी सिक्वेंशल सर्किट जो है उसका कोई एक्सटर्नल इनपुट नहीं है तो सिंपली एक क्लॉक पल्स आया तो आप स्विच कर जाएंगे ऑटोमेटिकली फ्रॉम वन स्टेट टू द नेक्स्ट उधर आपको इफ देन एल्स स्टेटमेंट यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है गो टू सिंपली स्टेटमेंट यूज़ करेंगे सो so हमने एग्जाम्पल देखी थी अगर एट बिट अप काउंटर है तो उसके आठ स्टेट्स होंगी तो लग से पहली स्टेट अगर ए है क्लाक uh, पल्स पे सेकेंड स्टेट स्टेट बी पे जाना है तो आप गो टू बी स्टेटमेंट लिख देंगे तो ये इस तरीके से आप एक स्टेट डायग्राम जो है वो डिफ़ाइन कर सकते हैं जो सिक्वेंशल सर्किट को रिप्रेजेंट कर रहा है इसके बाद हमने डिस्कशन शुरू की थी एलिवेटर कंट्रोलर पे एलिवेटर को पहले हम जरा डिस्क्राइब कर लें दोबारा से बेसिकली उसके छः इनपुट्स हैं और तीन आउटपुट्स हैं सो so, जो सीक्वेंशियल सर्किट है जो कंट्रोलर सर्किट है जो एलिवेटर को कंट्रोल करेगा उसके ऑफकोर्स छः ही इनपुट होंगे और वो तीन आउटपुट्स होंगे छः जो इनपुट्स थे हम कह रहे थे कुछ जो इनपुट थे वो थे इन द फॉर्म ऑफ बटन्स सो फ्लोर वन फ्लोर टू जो कि लेफ्ट या एलिवेटर के अंदर लगा हुआ है जो भी उसमें होगा वो प्रेस करेगा फ्लोर वन तो फ्लोर वन की तरफ जाएगी अगर फ्लोर टू है फ्लोर वन पे अगर रोकी हुई है फ्लोर टू प्रेस किया तो फ्लोर टू की तरफ लेफ्ट जाएगी इस दर लेफ्ट के बाहर जो है हर फ्लोर पे दो बेसिकली फ्लोर थे रिक्वेस्ट बटन लगे हुए हैं रिक्वेस्ट वन और रिक्वेस्ट टू की बात की थी अगर लेफ्ट में हैं आप दरवाज़ा खुला रखना चाह रहे हैं या खोलना चाह रहे हैं तो एक ओपन बटन है सो तो ये हो गया पाँच इनपुट्स एक छठा इनपुट था जो अराइवल इनपुट था या अराइव सिग्नल था वो हम ये कह रहे थे कि अगर लेफ्ट फ्लोर वन पे है फ्लोर टू पे जा रही है कैसे पता लगेगा कि फ्लोर टू पे पहुंच गई है सो so बेसिकली एक सेंसर लगा हुआ है सेकंड फ्लोर पे जो कि बताएगा कि लेफ़्ट उधर पहुंच गई है इस तरह एक और सेंसर है जो फ्लोर वन पे लगा हुआ है लेफ्ट तो अगर सेकंड फ्लोर पे है फर्स्ट फ्लोर पे आ रही है जो ही फर्स्ट फ्लोर पे पहुंचेगी सेंसर का आउटपुट एक्टिव हो जाएगा तो आपको पता लग जाएगा कि लेफ्ट फ्लोर वन पे पहुंच गई है एक और जो इनपुट सिग्नल था वो है क्लॉक सिग्नल क्लॉक सिग्नल बेसिकली एक तो स्टेट चेंज कर रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट पर स्विच कर रहे हैं क्लॉक ही डिटर्मिन कर रहा है कि लेफ्ट जो है या एलिवेटर जो है किस रेट से ऊपर जा रहे हैं या किस रेट से नीचे आ रहा है जो दरवाजे किस टाइम के लिए खुलें और किस टाइम के लिए बंद होंगे वो सारा क्लॉक ही डिटर्मिन करेगा इसके अलावा हमारे पास तीन आउटपुट सिग्नल्स हैं ये तीन आउटपुट जो सिग्नल हैं ये लिफ्ट को कंट्रोल कर रहे हैं सो so, लिफ्ट के दरवाजे अपने खोलने बंद करने हैं सो so, एक डोर सिग्नल होगा जो कि डोर्स जो हैं उनके कंट्रोल सर्किट को कनेक्ट करेगा ओपन करेगा या क्लोज करेगा इसी तरह लिफ्ट जो है या स्टेशनरी या मूविंग है अगेन एक कंट्रोल आउटपुट सिग्नल चाहिए जो उसके मोशन को कंट्रोल करेगा एलिवेटर की एक मोटर होगी जो उसको ऊपर लेके जा रहा है या नीचे लेके जा रहा है तो वो मोटर को ये सिग्नल ऑन करेगा या ऑफ़ करेगा इसी तरह डायरेक्शन जो है लेफ्ट के ऊपर जाना है या नीचे जाना है अगेन वो भी एक आउटपुट सिग्नल होगा जो लिफ्ट के मोटर को भेजा जाएगा तो वो या तो ऊपर की डायरेक्शन में चलेगी या नीचे की डायरेक्शन में चलेगी इसके अलावा हमने बात की थी कि जो सिक्वेंशल कंट्रोलर है जो इसको एलिवेटर को कंट्रोल कर रहा है उसकी स्टेट्स कितनी हैं हमने कहा था कि छः स्टेट्स हैं सो एक था वेटिंग वन था वेट वन जब फ्लोर वन पे लिफ्ट रुकी हुई है उसके दरवाजे ओपन हैं नेक्स्ट जो स्टेट थी वो थी क्लोज़ वन अगेन फर्स्ट फ्लोर पे लिफ्ट रुकी हुई है दरवाजे बंद हो गए सो डब्ल्यू वन और सी वन में सिर्फ यही फ़र्क है कि क्लोज़ वन में दरवाजे बंद हैं लिफ्ट स्टेशनरी है तीसरी जो स्टेट थी हमने कहा था कि अप स्टेट थी जब आप कोई अप्रोप्रिएट बटन दबाएं सो लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर से सेकंड फ्लोर की तरफ ट्रैवल करेगी तो ये जो स्टेट होगी ये डिटरमिन होगी अप स्टेट से अल्टीमेटली सेकंड फ्लोर पे पहुंच जाएगी लेफ्ट उधर स्टेशनरी होगी दरवाजे खुले होंगे उसको हम कहेंगे वेट टू अगर सेकेंड फ्लोर पर है दरवाजे बंद हैं लिफ्ट स्टेशनरी है हम उसको कह रहे हैं क्लोज टू और अगेन सेकेंड फ्लोर से जब लिफ्ट नीचे की तरफ जा रही है फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है तो हम उसको एक छठी स्टेट से रिप्रेजेंट कर रहे हैं जो डाउन स्टेट है स्टेट डायग्राम हमने देखा था डिफरेंट इनपुट कंडीशन हैं रिक्वेस्ट वन रिक्वेस्ट टू फ्लोर वन फ्लोर टू ओपन अराइव ये सारे एक्सटर्नल इनपुट्स हैं जो अप्लाई हो रहे हैं इनकी वजह से हम किसी एक स्टेट से किसी दूसरी स्टेट पे स्विच कर रहे हैं वो स्टेट डायग्राम हमने डिटेल में स्टडी किया था स्टेट डायग्राम के बाद हमने बेसिकली एक स्टेट टेबल बनाया था हमने एक स्टेट टेबल को दो डिफरेंट स्टेट टेबल्स की सूरत में लिखा था डिस्क्राइब किया था एक जो स्टेट टेबल था उसमें हमने फ्लोर वन के लिए जो रिक्वेस्ट वन का बटन है फ्लोर वन का बटन है और ओपन जो बटन है जो फ्लोर वन पे आप प्रेस करते हैं उसका एक स्टेट टेबल बनाया था और दूसरा जो स्टेट टेबल था इट वाज फॉर रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू एंड ओपन बटन जो आप फ्लोर टू पर प्रेस कर रहे हैं उसकी वजह से हमने प्रेजेंट स्टेट्स देखी थी और नेक्स्ट स्टेट्स जो आ रही थी वो सारी उधर लिखती थी इसके बाद हमने एक और चीज़ पे डिस्कशन की थी हम ये कह रहे थे कि ये जो बटन है ये एसिंगसली किसी टाइम भी प्रेस हो सकते हैं अब क्योंकि हमारे पास एक सिक्वेंशल सर्किट है जो हर क्लॉक पल्स के बाद अपनी स्टेट चेंज कर रहा है सो दो कंसेक्टिव क्लॉक पल्स में अगर कोई बटन प्रेस हो गया और जाहिर है जब बटन आप प्रेस करते हैं तो वो उधर उसकी इन्फॉर्मेशन स्टोर नहीं रहती है। बटन प्रेस किया हाई हो गया या एक्टिव हो गया जो ही आपने अपने फिंगर रिमूव की तो बटन वापस आ गया उसकी स्टेट वापस ज़ीरो होगी या इनएक्टिव हो गया अब क्योंकि उस वक्त क्लॉक पल्स नहीं फ्लिप फ्लॉप पे तो वो स्टेट को वो कंसिडर नहीं करेगा इसलिए हमने ये कहा था कि जितने भी बटन इनपुट्स हैं उनके साथ हमने एक लैच कनेक्ट करनी है जो ही कोई बटन प्रेस करें तो लैच जो है वो इन्फॉर्मेशन को स्टोर कर ले अब ये इन्फॉमेसन जो है वो आगे फ्लिप फ्लॉप्स में प्रोवाइड की जाएगी या, या यूज़ की जाएगी टू तो इम्प्लीमेंट दी एक्साइटेशन इनपुट्स सो लास्ट टाइम हमने देखा था कि आपको एटलीस्ट पाँच लैचेस चाहिए रिक्वेस्ट वन सिग्नल के लिए रिक्वेस्ट टू बटन के लिए या सिग्नल के लिए फ्लोर वन फ्लोर टू एंड ओपन जो बटन है इन पाँचों के लिए पाँच लैचेस चाहिए होंगे और एक ब्लॉक डायग्राम भी हमने देखा था फिर हमने बात की थी कि बजाय पाँच लैचेस के हम दो लैचेस भी इस्तेमाल कर सकते हैं दो लैचेज़ कैसे इस्तेमाल करेंगे बेसिकली एक लैच जो होगी वो स्टोर करेगी बटन्स रिक्वेस्ट वन को फ्लोर वन को और ओपन को अगर वो फ्लोर वन पे प्रेस हुआ सो दैट मींस जब भी आपने रिक्वेस्ट वन प्रेस किया लैच जो है वो सेट हो जाएगी इसी तरह जब आपने फ्लोर वन प्रेस किया है तो लैच जो है सेट हो जाएगी अब इसमें हमने एक कंडीशन लगाया हुआ है अगर फ्लोर वन जो बटन है अगर फ्लोर वन पे ही प्रेस कर रहे हैं तो उसको डिस्कार्ड कर देगी अगर फ्लोर टू पे हैं और फ्लोर वन बटन आपने प्रेस किया तब लैच जो है सेट हो जाएगी इसी तरह जो ओपन बटन है जब फ्लोर वन पे हैं उधर प्रेस किया है तो लैच जो है सेट हो जाएगी आइए देखते हैं कि ये जो लैच है ये किस तरह बनी है इसके इनपुट्स क्या हैं और ये किस बेसिस पर हमने बनाई है डाइग्राम में एक एस लैच दिखाई गई है जिसका एक रीसेट इनपुट है जिस पे डोर बार मोशन बार एंड डायरेक्टरी बार की बोली एक्सप्रेशन लिखी हुई है सो दैट मींस ये जो लैच है रीसेट होगी जब ये कंडीशन ट्रू होगा नीचे जो नॉर गेट है ये सेट इनपुट का गेट है और क्यू आउटपुट वन हो जाएगा अगर इस नॉर गेट पे कोई भी इनपुट वन हो जाए तीन इनपुट्स दिखाए गए रिक्वेस्ट वन दूसरा जो है एंड गेट के थ्रू डायरेक्शन एंड फोर और जो दूसरा एंड गेट है डायरेक्शन बार डी आई आर बार एंड ओपन दैट मीन्स अगर ओपन बटन को प्रेस किया गया है और डी आई आर जीरो है दैट मीन्स फ्लोर वन पे है तो एंड गेट का आउटपुट वन हो जाएगा लैच जो है वन स्टोर कर देगा अपने क्यू आउटपुट पे। इसी तरह अगर फ्लोर वन बटन प्रेस किया गया है और डी आई आर वन है दैट मीन्स फ्लोर टू पे है तो आउटपुट इसका वन हो जाएगा एंड गेट का और लैच जो है क्यू सेट हो जाएगी वन पे रिक्वेस्ट वन जो है इसको किसी टाइम भी आप प्रेस कर सकते हैं फ्लोर वन पे या फ्लोर टू पे जो ही आप रिक्वेस्ट वन प्रेस करेंगे लैच सेट हो जाएगी डायग्राम में एक टेबल दिखाया गया जो कि एक, एक सिंप्लीफाइड स्टेट टेबल है फॉर एलिवेटर कंट्रोल फॉर रिक्वेस्ट वन फ्लोर वन एंड ओपन इनपुट्स। जैसा कि आपको याद है पिछले लेक्चर में एक स्टेट टेबल दिखाया गया था फॉर रिक्वेस्ट वन ओपन एंड फोर वन सो नेक्स्ट डेट जो थी हमने कहा था कि रिक्वेस्ट वन अगर जीरो है तो नेक्स्ट डेट कुछ और होगी और रिक्वेस्ट वन अगर वन है तो नेक्स्ट डेट कुछ और होगी इसी तरह ओपन के लिए किया था और फ्लोर वन के लिए किया था अब क्योंकि हम एक लैच यूज़ कर रहे हैं जिसके इनपुट पे फ्लोर वन है रिक्वेस्ट वन है ओपन वन है जिनकी वजह से आउटपुट सेट हो रहा है अगर इनमें से कोई कंडीशन ट्रू नहीं है आउटपुट जीरो होगा या लैच रीसेट हो जाएगी सो so, उस बेसिस पे हम एक नया स्टेट टेबल बना सकते हैं जो कि इधर दिखाया गया सो प्रेजेंट स्टेट जो है वही है W1, C1 वन अप डब्ल्यू टू सी टू एंड डाउन नेक्स्ट स्टेट जो है वो बता रही है एस आर फ्लिप फ्लॉप की सो एस आर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जो है अगर जीरो है तो अगर C1 वन स्टेट पर हैं तो C1 वन रहेगा अगर एस आर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट जो है वो वन है तो C1 वन इनिशियल स्टेट है अगर तो W1 वन नेक्स्ट स्टेट होगी इसी तरह अगर टू इनिशियल स्टेट है एस आर फ्लिप फ्लॉप आउटपुट अगर वन है तो डाउन स्टेट में चले जाएंगे अगर एस आर फ्ल फ्लॉप आउटपुट जीरो है तो सी टू स्टेट पे चले जाएंगे या स्विच कर जाएंगे अगर सी टू इनिशियल स्टेट है एस आर आउटपुट वन है अगेन डाउन स्टेट में स्विच कर देंगे अगर एस आर वन आउटपुट जो है वो जीरो है तो सी टू स्टेट पर ही रहेंगे इस स्टेट टेबल को अगर कंपेयर करें जो पुराने वाले स्टेट टेबल में जो हमने पिछले लेक्चर में डिस्कस किया था तो वही है हमने सिंपली इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन टर्म्स ऑफ दी एस आर फ्लिप फ्लॉप सेकेंड आग्राम में दिखाया गया है एस आर टू लैच का जो कि फ्लोर टू बटन ओपन बटन और रिक्वेस्ट टू बटन को स्टोर कर रहा है सो बेसिकली रिक्वेस्ट टू बटन जो है किसी टाइम भी प्रेस कर सकते हैं सो so जो ही वो एक्टिव हुआ एस आर टू लैच जो है अपने आउटपुट पर वन स्टोर कर लेगी इसी तरह अगर फ्लोर टू बटन प्रेस हुआ है सो फ्लोर टू बटन अगर फ्लोर टू पे ही प्रेस हो रहा है तो हम उसको डिस्कार्ड कर रहे हैं तो इसलिए एंड गेट के इनपुट पे फ्लोर टू इनपुट है और डायरेक्शन बार इनपुट है सो so, अगर ये जीरो होगा तब एंड गेट का आउटपुट वन होगा दैट मीन्स अगर फ्लोर वन पे हैं तब एंड गेट का आउटपुट वन होगा ऐसा टू लैच जो है उसका क्यों आउटपुट सेट हो जाएगा इसी तरह दूसरा जो एंड गेट दिखाया गया है उसके इनपुट पे एक डायरेक्शन इनपुट है और ओपन इनपुट है सो so ओपन हम ये कह रहे हैं कि अगर ये बटन फ्लोर टू पे प्रेस किया जाए जबकि डी DIR आई आर या डायरेक्शन जो इनपुट है वो डायरेक्शन आउटपुट जो है वो वन होगा तो एंड गेट का आउटपुट भी वन होगा लैच सेट हो जाएगी रीसेट इस लैच को हम कर रहे हैं जब डोर बार हो एंड मोशन बार हो एंड डायरेक्शन हो दैट मीन्स डोर जीरो हो मोशन जीरो हो एंड डायरेक्शन जो है वो वन हो दैट मीन्स डब्ल्यू टू स्टेट पे अगर है तो ये ट हो जाएगी डायग्राम में एक सिंप्लीफाइड स्टेट टेबल दिखाया गया फॉर एलिटेड कंट्रोल फॉर रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू एंड ओपन इनपुट अगेन ये स्टेट टेबल जो है जो पुराना हमने पिछले लेक्चर में स्टडी किया था उसी से डिराइव किया गया हुआ उधर रिक्वेस्ट टू इनपुट थे ओपन इनपुट था और फ्लोर टू इनपुट था इन In तीनों इनपुट को हमने रिप्लेस कर दिए एस आर टू फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट से सो अगर हम स्टेट डब्ल्यू वन में हैं एस आर फ्लिप फ्लॉप टू जो है उसका आउटपुट अगर वन है तो हम अप स्टेट में स्विच कर जाएंगे अगर इस फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ज़ीरो है तो हम सी वन स्टेट पे स्विच कर जाएंगे इसी तरह अगर प्रेजेंट स्टेट जो है वो सी वन है और फ्लिप फ्लॉप का फ्लिप फ्लॉप एस आर टू जो है उसका आउटपुट अगर वन है तो हम अप स्टेट में स्विच कर जाएंगे अगर एस आर टू फ्लिप फ्लॉप का आउटपुट ज़ीरो है तो हम सी वन स्टेट पर ही रहेंगे इसी तरह अगर नीचे आप देखें सी टू अगर प्रेजेंट स्टेट है एस आर टू फ्लिपलॉप का आउटपुट वन है दैट मीन्स जो फ्लिप फ्लॉप है वो सेट हुआ हुआ है तो हम स्विच कर जाएंगे डब्ल्यू टू स्टेट पे अगर इसका आउटपुट ज़ीरो है या रीसेट हुआ हुआ है तो हम सी टू स्टेट में ही रहेंगे बाकी जो स्टेट्स हैं वो डोंट केयर शो की गई हमने अभी दो फ्लिप फ्लॉप्स देखे एस आर वन एंड एस आर टू जो कि रिक्वेस्ट वन बटन ओपन एंड फ्लोर वन बटन को स्टोर कर रहे हैं और एस आर टू जो फ्लिपलॉप है रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू और ओपन बटन को स्टोर कर रहा है बेसिकली अब हम पांच फ्लिप फ्लॉप्स की जगह रदर लैचेस हैं ये फ्लप फ्लॉप्स नहीं लैचेस हैं क्योंकि इधर हम क्लॉक इनपुट नहीं है जो ही इनपुट्स चेंज हुए ये आउटपुट में इंफॉर्मेशन स्टोर कर लेगा सो so, इनिशियल जो पांच लैचेस थे उनको हमने रिप्लेस कर लिए बाय दिस टू लैचेस एस आर वन एंड एस आर टू जो ब्लॉक डाइग्राम है उस सिक्वेंशल स्टेट मशीन का वो कैसा नजर आएगा आइए देखते हैं इस ब्लॉक डाइग्राम को मॉडिफाइड ब्लॉक डायग्राम दिखाया गया एलिवेटर स्टेट मशीन का एक्सट्रीम लेफ्ट साइड पे रिक्वेस्ट वन फ्लोर वन एंड ओपन बटन जो हैं वो कनेक्ट हुए हुए हैं एस आर वन लैच के इनपुट पे एस आर वन लैच जो है जूँ ही इनमें से कोई बटन प्रेस हुआ है अप्रोप्रिएट कंडीशन पर दैट मीन्स रिक्वेस्ट वन जो है फ्लोर वन पे या फ्लोर टू पर जब भी प्रेस हुआ एस आर वन लैच का आउटपुट वन हो जाएगा इसी तरह फ्लोर वन हमने डिसाइड किया था कि ये बटन अगर फ्लोर टू पर प्रेस हुआ है तो एस आर वन का लैच का आउटपुट वन हो जाएगा इसी तरह जो ओपन बटन है अगर फ्लोर वन पर प्रेस किया है एस आर वन लैच का आउटपुट वन हो जाएगा इसका आउटपुट ज़ीरो तब होगा जब ये डब्ल्यू वन स्टेट पर पहुँच जाएगी इसी तरह एस आर टू लैच दिखाई गई उसके इनपुट्स जो हैं रिक्वेस्ट टू फ्लोर टू और ओपन बटन हैं अगेन रिक्वेस्ट टू जो है किसी फ्लोर पे भी प्रेस कर सकते हैं एस टू लैच का आउटपुट वन हो जाएगा फ्लोर टू बटन जो है अगर आप फ्लोर वन पे प्रेस कर रहे हैं तो एस टू लैच का आउटपुट वन हो जाएगा अगर फ्लोर टू पर ही प्रेस कर रहे हैं तो इसका जो बटन है ये डिस्कार्ड कर दिया जाएगा एस लैच का आउटपुट सेट नहीं होगा इसी तरह अगर ओपन बटन जो है उसको प्रेस किया गया फ्लोर टू पे तो एस टू लैच का आउटपुट जो है वो वन हो जाएगा सेट हो जाएगा अब जैसा कि अभी पहले हमने सर्किट डायग्राम में देखा एस वन जो लैच है और एस टू जो लैच है उसके इनपुट पे आउटपुट सिग्नल्स भी हमने अप्लाई किए थे फॉर एग्जांपल डायरेक्शन सिग्नल हमने अप्लाई किया था सो दैट मीन्स एस लैच और एस लैच में जो करेंट स्टेट वेरिएबल्स हैं वो भी कोनेक्टेड हैं नीचे दिखाया गया नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशनल सर्किट और उसका एक जो इनपुट है वो अराइव इनपुट सिग्नल है ये जैसे हमने बताया था कि सेंसर का आउटपुट है सो so, जो ही लेफ्ट जो है या एलिवेटर जो है फ्लोर वन पे पहुंचेगी या फ्लोर टू पे पहुंचेगी अराइव सिग्नल एक्टिव हो जाएगा डिपेंडिंग ऑन दी करंट स्टेट नेक्स्ट स्टेट चेंज होगी सो नेक्स्ट स्टेट कॉम्बिनेशन सर्किट के दो इनपुट्स हैं अराइव सिग्नल और स्टेट वेरिएबल्स जिसकी मदद से ये एक्साइटेशन इनपुट्स जनरेट करेगा सो एक्साइटेशन इनपुट्स जो इधर दिखाए गए हैं वो तीन इनपुट्स की वजह से जनरेट हो रहे हैं एस आर वन लैच का आउटपुट एस आर टू लैच का आउटपुट और राइव सिग्नल जो है उसके आउटपुट पे एक्साइटेशन इनपुट जो हैं वो कनेक्ट हुए हैं एलिमेंट के साथ जो कि कोर्स फ्लिप फ्लॉप्स से इंप्लीमेंट हुए हैं फ्लिप फ्लॉप्स का आउटपुट जो है अगेन रिप्रेजेंट कर रहा है करंट स्टेट को आउटपुट कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो एक्चुअली जो मेमोरी का आउटपुट स्टेट है वो यही है अभी हमने मॉडिफाइड ब्लॉक डायग्राम देखा एक सिक्वेंशल स्टेट मशीन का जो कि ऑफकोर्स एलिवेटर का कंट्रोलर है जिसमें चेंजेस किए गए इनिशियली हमने देखा था कि पांच लैचेस थे जो इनपुट पे थे और लैचेस का जो आउटपुट था वो कॉम्बिनेशनल जो सर्किट है उसके इनपुट पे अप्लाइड थे कॉम्बिनेशन सर्किट जो है वो उधर से हम एक्साइटेशन आउटपुट जनरेट कर रहे हैं जो कि मेमोरी एलिमेंट के इनपुट के साथ कनेक्टेड हैं अब क्योंकि हम दो लैचेस यूज़ कर रहे हैं एस आर वन एंड एस आर टू जिसके इनपुट पे वो बटन्स हैं या एक्सटर्नल इनपुट्स हैं और साथ में जो नेक्स्ट स्टेट जो डायरेक्शन है वो भी हमने अप्लाई की हुई है सो so, अब जो मॉडिफाइड डायग्राम में बेसिकली एस आर वन एस आर टू के जो आउटपुट हैं और जो अराइव सिग्नल आ रहा है इनकी मदद से हम एक्साइटेशन आउटपुट्स जनरेट करेंगे जो कि मेमोरी एलिमेंट के इनपुट पे कनेक्टेड होंगे आइए देखते हैं ये नया स्टेट टेबल अब इसी नए स्टेट टेबल से आगे हम जो है प्रोग्रामिंग करेंगे पीएलडी की डायग्राम में एक नया स्टेट टेबल दिखाया गया है, जो कि बेस्ड है एस आर वन लैच के आउटपुट पे एस आर टू लैच के आउटपुट पे और अराइवल इनपुट पे प्रेजेंट स्टेट जो है छह स्टेट्स दिखाई गई डब्ल्यू वन सी वन अप डब्ल्यू टू सी टू एंड डाउन नेक्स्ट स्टेट एस आर वन लैच की अगर देखें अगर एस आर वन लैच जीरो हो या वन हो अगर इनिशियल स्टेट डब्ल्यू वन है सो नेक्स्ट स्टेट डोंट केयर है एस आर वन लैच जो है इस्तेमाल हो रहा है C1 वन स्टेट के लिए W2 टू स्टेट के लिए और C2 टू स्टेट के लिए सो so, अगर इनिशियल स्टेट C1 वन है एस आर लैच का आउटपुट वन है तो हम स्विच कर जाएंगे W1 वन स्टेट पर अगर एस आर वन लैच का आउटपुट जीरो है तो C1 वन स्टेट में ही रहेंगे इसी तरह अगर इनिशियल स्टेट W2 टू है एस आर वन लैच का आउटपुट वन है सेट हुआ हुआ है, तो हम स्विच कर जाएंगे डाउन स्टेट पर अगर इसका आउटपुट सेट नहीं है जीरो है तो हम C2 टू स्टेट पर स्विच कर जाएंगे इसी तरह अगर C2 टू इनिशियल स्टेट है एस आर वन का आउटपुट वन है सेट हुआ हुआ है तो डाउन स्टेट पर स्विच कर जाएंगे अगर इसका आउटपुट जीरो है तो हम सी टू स्टेट पर स्विच कर जाएंगे ये इंफॉर्मेशन जो पिछले हमने स्टेट टेबल्स देखे थे उन्हीं से डिराइव हुई हुई है अगर एस आर टू को देखें रेदर लैच को देखें एस आर टू लैच अगर वन है और हम इनिशियल स्टेट डब्ल्यू वन में हैं तो न्यू स्टेट जो होगी वो स्टेट होगी अगर एस आर टू लैच का आउटपुट ज़ीरो है तो हम सी वन स्टेट पे स्विच कर जाएंगे। इसी तरह अगर सी वन इनिशियल स्टेट है और एस टू जो लैच है उसका आउटपुट वन है सेट हुआ हुआ तो हम अपस्टेट पर स्विच कर जाएँगे अगर एस आउटपुट जीरो है तो हम सी वन ही रहेंगे इसी तरह अगर इनिशियल स्टेट सी है एस जो लैच है उसका आउटपुट सेट है तो हम W2 टू स्टेट पर स्विच करेंगे अगर सेट नहीं है तो C2 पे ही रहेंगे अराइवल सिग्नल को अगर देखें अगर हम इनिशियल स्टेट जो है अप है अराइवल जीरो है तो अप पे ही रहेंगे अगर अराइवल वन है दैट मीन्स हम सेकेंड फ्लोर पे पहुंच गए हैं अप जो स्टेट है वो बता रहा है कि लिफ्ट जो है फर्स्ट फ्लोर से सेकेंड फ्लोर की तरफ मूव कर रही है सो so, अराइवल अगर वन हो गया दैट मीन्स लिफ्ट जो है सेकेंड फ्लोर पर पहुँच गई सो न्यू स्टेट जो होगी वो डब्ल्यू टू होगी जब तक अराइव वन नहीं है दैट मीन्स ज़ीरो है तो लिफ्ट मूव कर रही है तो वो अप स्टेट में ही रहेगी इसी तरह अगर डाउन स्टेट को देखें इनिशियल अगर डाउन स्टेट है अराइव अगर वन है तो दैट मीन्स लिफ्ट सेकेंड फ्लोर से चली थी फर्स्ट फ्लोर की तरफ जा रही है सो so, अगर अराइव सिग्नल एक्टिव हो गया दैट मीन्स पहले फ्लोर पे पहुंच गई है सो so हम स्विच कर गए डब्ल्यू वन स्टेट पे। अगर राइव जीरो है दैट मीन्स लेफ्ट अभी फर्स्ट फ्लोर तक नहीं पहुंची सो वी रिमेन इन दी डाउन स्टेट अभी हमने एक मॉडिफाइड स्टेट टेबल देखा अब इसकी मदद से आप अगर आप चाहें फ्लिप फ्लॉप्स को यूज़ करते हुए और गेट्स को यूज़ करते हुए एक कंट्रोलर सर्किट सिक्वेंशल कंट्रोलर सर्किट फॉर द एलिवेटर बना सकते हैं अब वो हम सर्किट यूजिंग फ्लिप फ्लॉप्स या जो कॉम्बिनेशन लॉजिक है उसको हम इस्तेमाल नहीं करेंगे हम बेसिकली पी में ये इंप्लीमेंट करना है सो बेसिकली हमें प्रोग्रामिंग करनी है पी की अगेन जैसे हम पहले करते आ रहे हैं हमने पेंस डिस्क्राइब करनी है फिर हमने स्टेट डायग्राम के तौर पे इस सीक्वेंस सर्किट को डिस्क्राइब करना है इक्वेशंस के तौर पे नहीं जो तो टेबल के तौर पे नहीं हमने स्टेट डायग्राम के तौर पे डिस्क्राइब करना है सो स्टेट डायग्राम के तौर पे अगर हमने इस सीक्वेंस सर्किट को जो कंट्रोलर सर्किट है इसको अगर डिस्क्राइब करना है तो बेसिकली हमें स्टेट्स डिफाइन करनी पड़ेंगी उसके बाद स्टेट डाइग्राम जो है स्टेटमेंट की सरत में लिखना पड़ेगा उसके बाद ऑफकोर्स टेस्ट फैक्टर हम बता सकते हैं उसमें सो so बेसिकली हम शुरू करते हैं पेन डिस्क्रिप्शन से कौन से इनपुट पेंस हैं कौन सी आउटपुट पेंस हैं इनमें से कुछ पेंस जो हैं वो कॉम्बीशनल सर्किट की हैं और कुछ जो हैं वो सिक्वेंशल सर्किट की हैं तो हम कैसे डिफाइन करेंगे आइए देखते हैं आइए पहले देखते हैं पिन डेकोरेशंस को और इनपुट जो हैं क्लॉक सिग्नल जैसे हमने बताया था कि एक इनपुट सिग्नल है जिसकी मदद से हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट में स्विच कर रहे हैं जो एलिवेटर का टाइम है मूवमेंट का टाइम अप एंड डाउन जो है या डोर्स जो ओपन करने हैं किस कितने टाइम के लिए क्लोज है, करने हैं वो सारा क्लॉक से डिटरमिन होगा एक और ओ एल ई इनपुट दिखाया गया बेसिकली ये इनपुट जो है पूरे पी एल डी डिवाइस को सेलेक्ट करता है रिक्वेस्ट वन रिक्वेस्ट टू अगेन दो इनपुट्स हैं जो कि हमने बताया था दोनों फ्लोर्स पे लगे हुए हैं बटन्स हैं फ्लोर वन फ्लोर टू भी दो बटनस हैं जो लेफ़्ट के अंदर या एलिवेटर के अंदर लगे हुए हैं ओपन भी एक बटन है जो एलिवेटर के अंदर लगा हुआ है अराइव सिग्नल जो है वो हमें सेंसर से मिल रहा है ये सारे सिग्नल्स जो हैं पिन वन एलेवन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन पे मौजूद हैं पी के आइए देखते हैं जो तीन आउटपुट सिग्नल्स हैं वो कौन से पेन्स पे अवेलेबल हैं सो so, तीन आउटपुट सिग्नल हैं हमारे पास डोर मोशन एंड डायरेक्शन ये अवेलेबल हैं पिन ट्वेल्व थर्टीन एंड फोर्टीन पे अब ये तीनों सिग्नल्स जो हैं ये हमारे पास फ्लिप फ्लॉप के आउटपुट्स की फॉर्म में अवेलेबल हैं ये तीनों फ्लिप फ्लॉप्स जो हैं डी फ्लॉप्स हैं और तीन ऑलमैक मॉड्यूल्स uh, में मौजूद हैं सो so, उनका जो आउटपुट है वो हमने डिफाइन करना होगा एज ऑफ टाइप रजिस्टर डॉट बफर। दैट मीन्स ये सिक्वेंशल सर्किट के आउटपुट्स हैं इस स्टेटमेंट के ऊपर एक स्टेटमेंट नजर आ रही है आपको एस आर वन एस आर वन और उसके नीचे है एस आर टू कॉमा एस आर टू ये चार आउटपुट्स हैं दो लैचेस के जो हमने इस्तेमाल किए थे बटन्स को स्टोर करने के लिए सो so, जो जहले लैच थी एस आर वन उसके दो आउटपुट्स हैं एस आर वन और दूसरा है एस आर वन अंडर स्कोर जो कि उसका कॉम्प्लीमेंट्री आउटपुट है इसी तरह जो दूसरी लैच थी एस आर टू उसके दो आउटपुट्स हैं एस आर टू और एस आर टू अंडर स्कोर सो पहली लैच के दोनों आउटपुट्स अवेलेबल हैं पिन सिक्सटीन एंड सेवनटीन पे दूसरी लैच जो है उसके दो आउटपुट्स अवेलेबल हैं पिन एटीन एंड नाइन्टीन पे अब ये दोनों जो लैचेज़ हैं इनमें कोई क्लॉक इनपुट नहीं है सो so, जो ऑलमेक में डीप्रॉप्स लगे हैं उनको ऑफ कोर्स हम यूज़ नहीं कर रहे इन दोनों लैचेस को हमें इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा यूजिंग दी एंड और गेट अरे ऑफ द गैल डिवाइस सो जो आउटपुट है इन लैचेस का वो हमें आउटपुट पेंस पे अवेलेबल होगा 16, 17 और 18, 19 जैसा कि हमने पहले बताया और ये क्योंकि एक कॉम्बिनेशनल सर्किट का आउटपुट है सो so, हमने इस टाइप ये जो आउटपुट टाइप है इसको हमने डिफाइन कर दी एज कॉम्प्लीमेंट्री डॉट बफर कॉम डॉट बफर अभी हमने पी एल डी डिवाइस की पिन डेकोरेशन देखी इनपुट सिग्नल्स तो हमें मालूम थे आउटपुट सिग्नल्स में हमने एक दो चार नए सिग्नल्स इंट्रोड्यूस किए हैं जो दो लैचेस हमने यूज की थी टू स्टोर द बटन इन्फॉर्मेशन उनके आउटपुट्स हमने डिस्क्राइब किए हैं बेसिकली ये आउटपुट्स हमने पेन इसलिए डिस्क्राइब किए हैं कि क्योंकि इनको फीडबैक हम करेंगे ताकि ये जो फ्लिप फ्लॉप्स हैं डी फ्लिप फ्लॉप्स हैं जो एक्साइटेशन इनपुट्स जो जनरेट हो रहे हैं उधर ये कनेक्ट कर पाए नेक्स्ट जो स्टेप है बेसिकली हमने इस सिक्वेंशल सर्किट को डिस्क्राइब करना है जैसा कि हमने पहले बताया था कि हम इक्वेजन्स की फॉर्म में डिस्क्राइब नहीं करेंगे एक स्टेट डायग्राम के फॉर्म में डिस्क्राइब करेंगे सो so, इससे पहले कि हम स्टेट डाइग्राम डिस्क्राइब करें डिफरेंट स्टेट्स हैं वो हमें डिफाइन करनी होंगी तो आइए देखते हैं स्टेट्स कैसे डिफाइन करते हैं उसके बाद हम देखेंगे कि जो स्टेट डायाग्राम है जो हमने एक स्टेट टेबल के तौर पर भी रिप्रजेंट किया था उसको हम ऐबल में कैसे लिखेंगे टेबल में स्टेट डिफाइन की गई एलिवेटर कंट्रोल सर्किट की हमारे पास छः स्टेट्स हैं वेट वन क्लोज वन अप वेट टू क्लोज टू एंड डाउन इनको हम यूजल तरीके से डिफ़ाइन कर सकते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल वेट वन जो है वो जीरो जीरो ज़ीरो से रिप्रेजेंट हो सकता है सो so, जो पहले हम करते आ रहे हैं स्क्यर ब्रैकेट्स में जीरो कॉमा जीरो कॉमा जीरो हम लिख सकते हैं इसी तरह क्लोज वन जो है उसको हम डिफाइन कर सकते हैं विद इन स्क्र ब्रैकेट्स वन कमा ज़ीरो कॉमा ज़ीरो इधर जो डिस्क्राइब किया गया है बी कैपिटल बी और उससे पहले कैरेट सिंबल यूज़ किया गया है सो so, इस तरह भी हम डिफाइन कर सकते हैं सो वेट वन इज इक्वल टू कैरेट बी जीरो 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 सो बाइनरी में हम डिफाइन कर रहे हैं इस तरह क्लोज वन जो है वो वन जीरो जीरो स्टेट है अप जो है वन वन जीरो स्टेट है वेट टू जीरो जीरो वन क्लोज टू जो है वन जीरो वन और डाउन जो है वन 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 कौन स्टेट जो है ये स्टेट वेरिएबल है जो डोर मोशन और डायरेक्शन जो है तीन स्टेट वेरिएबल्स हैं बीच में आइए अब देखते हैं स्टेट डायग्राम को कैसे डिफाइन कर रहे हैं So, पहली जो स्टेटमेंट दिखाई गई है स्टेट वेट वन हमने अब ये बताना है कि स्टेट वेट वन से हम नेक्स्ट स्टेट पे कैसे चेंज होंगे कौन से इनपुट कंडीशंस होंगे सो so, जो स्टेटमेंट है इफ एस आर टू देन अप एल्स क्लोज वन सो इसका मतलब है अगर एस आर टू वन है तो आप स्टेट पे स्विच हो जाएं अगर एस आर टू जीरो है तो क्लोज वन स्टेट पे स्विच हो जाए अगर आप जो हमने मॉडिफाइड स्टेट टेबल बनाया था उसको देखें तो उसमें भी Uh, W1 जो है इनिशियल स्टेट है एस आर टू जब वन होगा तो आप स्टेट पे मूव कर रहे हैं एस आर टू अगर जीरो है तो C1 वन स्टेट पर मूव हो रहे हैं यही जो स्टेटमेंट है वो उसी को रिप्रेजेंट कर रही है इसी तरह उसी स्टेट डायग्राम को सामने रखें और नीचे अगर देखें स्टेट क्लोज वन नेक्स्ट स्टेट्स क्या होंगी इफ एस आर टू अप एल्स इफ एस आर वन वेट वन एल्स क्लोज वन सो बेसिकली ये बता रहा है कि अगर एस आर टू वन है तो फिर अप स्टेट पे स्विच कर जाएं। अगर एस आर टू जीरो है तो फिर अगर एस आर वन जो है स्टेट वो वन है या एस आर वन जो फ्लिप फ्लॉप है वो वन है तो वेट वन पे स्विच कर जाएं। अगर जीरो है देन क्लोज वन पे स्विच कर जाएं। इसी तरह स्टेट अप जो है इनिशियल स्टेट है इफ अराइव देन वेट टू एल्स अप सो अगर अप स्टेट इनिशियल स्टेट में है सिग्नल वन है एक्टिव है तो वेट टू स्टेट पे स्विच कर जाएं वरना अप स्टेट पे ही रहेंगे इस तरह स्टेट वेट टू स्टेटमेंट को देखें इफ एस आर वन दैन डाउन एल्स क्लोज टू सो एस आर वन लैच आउटपुट अगर वन है देन यू स्विच टू डाउन स्टेट वरना क्लोज टू जो स्टेट है उस पर स्विच कर जाएंगे इसी तरह स्टेट क्लोज टू को सिमिलर स्टेटमेंट है जो क्लोज वन के लिए लिखी हुई थी इस तरह स्टेट डाउन जो है उसकी भी जो स्टेटमेंट है वो स्टेट से मिलती जुलती है सो स्टेट डाउन अगर है राइव सिग्नल हाई है एक्टिव है तो आप वेट वन स्टेट पे स्विच कर जाएंगे, एल्स डाउन स्टेट पे स्विच कर जाएंगे अभी हमने स्टेट डायग्राम एबल में डिफाइन किया स्टेटमेंट्स लिखी ये स्टेटमेंट्स एग्जैक्टली exactly जो स्टेट टेबल बनाया हुआ है उसको अगर फॉलो करते जाएँ तो उन्हीं को रिप्रेजेंट कर रही हैं आखिरी जो चीज़ रहेगी बेसिकली हमने कुछ इक्वेशंस डिफ़ाइन करनी है इक्वेशंस क्यों डिफाइन करनी पड़ रही हैं बेसिकली हमने जो दो लैचेस इंप्लीमेंट किए हैं जो कि बटन्स को स्टोर कर रहे हैं उनको कैसे इंप्लीमेंट करेंगे उनकी इक्वेशंस हमने डिफ़ाइन करनी है सो so आइए देखते हैं वो इक्वेशंस क्या हैं आपके ख्याल में कितनी इक्वेशंस होनी चाहिए बेसिकली चार इक्वेशंस होनी चाहिए क्योंकि दो लैचेस हैं सेट इनपुट और रीसेट इनपुट इसी तरह दूसरा जो लैच है उसका भी एक सेट इनपुट है रीसेट इनपुट है सो so, पहली वाली लैच का सेट इनपुट के लिए इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी रीसेट इनपुट के लिए इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी इसी तरह दूसरी जो लैच है उसके सेट इनपुट के लिए इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी और उसके रीसेट इनपुट के लिए इक्वेशन डिफाइन करनी पड़ेगी आइए इन चारों इक्वेशन को देख लेते हैं इक्वेशन डेफिनेशन में चार इक्वेशन दिखाई गई हैं एस आर वन एस आर वन अंडर स्कोर एस आर टू और एस आर टू अंडर स्कोर इन इक्वेशंस को समझने के लिए ज़रूरी है कि जो हमने पहले लैच के जो एस आर वन लैच थी और एस आर टू लैच के जो सर्किट थे वो उनको सामने रखें सो so, अगर एस आर वन लैच को सामने रखें उसके दो नॉर गेट्स थे जो ऊपर वाला नॉर गेट था वो रीसेट इनपुट है उसके इनपुट पे जो हमने बुलियन एक्सप्रेशन लिखी हुई है वो है डोर बार डॉट मोशन बार डॉट डायरेक्शन बार सो so, अगर इक्वेशन डेफिनेशन में देखें एस आर वन अंडर स्कोर जो है उधर हमने लिखा हुआ है इक्वल्स टू एक्सप्लोमेशन मार्क डोर जो कि डोर बार के बराबर है डॉट एफ बी एफ बी अभी हम डिस्कस करते हैं इसके बाद है एम परसेंट जो कि एंड कर रहा है आगे है एक्सप्लेमेशन मार्क मोशन डॉट एफ बी सो मोशन बार है उसके बाद एम परसेंट डायरेक्शन एक्सप्लेमेशन मार्क सो डायरेक्शन बार डॉट एफ बी तो जैसे कि ऊपर बोलियन एक्सप्रेशन थी डोर बार डॉट मोशन बार डॉट डायरेक्शन बार वही एक्सप्रेशन एस आर वन अंडर स्कोर के लिए लिखी गई है उसके आगे जो है और क्या हुआ एस आर वन के साथ अगर आप एस आर लैच को देखें रीसेट जो इनपुट है उसके साथ दूसरा जो इनपुट है वो एस आर वन का इन्वर्टेड इनपुट आ रहा है इसी तरह एस आर वन जो इनपुट है उसकी इक्वेशन जो है रिक्वेस्ट वन है और डायरेक्शन बार है एंडेड विद ओपन और जो तीसरी इनपुट है वो है डायरेक्शन एंड फ्लोर वन इन सारों को और किया हुआ है एस आर वन बार के साथ जो के है रीसेट इनपुट इसी तरह जो एस आर टू के लिए इक्वेशन है एस आर टू बार के लिए इक्वेशन है वो आप समझ सकेंगे अगर फ्लिप फ्लॉप या लैच टू जो है एस आर टू जो लैच है उसके सर्किट डायग्राम को सामने रखें जो हमने बुलियन एक्सप्रेशन उधर लिखी हैं वो एग्जैक्टली एबल फॉर्म में इधर लिखी गई हैं जो एफ़ बी नोटेशन है ये बता रही है कि ये सिग्नल्स जो हैं इनको फीडबैक करना है और कनेक्ट करना है एंड गेट अरे के साथ सो डायरेक्ट्री रहता डायरेक्शन डॉट एफ बी जो है डायरेक्शन आउटपुट जो सिग्नल है उसको फीडबैक करना है इसी तरह मोशन डॉट एफ बी मोशन आउटपुट जो सिग्नल है इसको वापस फीडबैक करना है एंड अरे में और डोर डॉट एफ बी जो है अगेन डोर आउटपुट सिग्नल है इसको फीडबैक करना है और कनेक्ट करना है एंड गेट अरे के साथ अगर आप अपनी टेक्स्ट बुक में देखें उसमें इस जो एलिवेटर एग्जांपल है उसमें दो हमने गैल डिवाइसेस यूज़ की हुई हैं दूसरी जो गैल डिवाइस है बेसिकली जो लेफ्ट जिस फ्लोर पे है वो इन्फॉर्मेशन उसने डिस्प्ले करनी है सो so, एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट लगा हुआ है जिस पे फ्लोर वन आएगा या टू आएगा डिपेंड करता है कि एलिवेटर जो है किस फ्लोर पे है इसी तरह जिस डायरेक्शन में एलिवेटर ट्रैवल कर रहा है अप डायरेक्शन में या डाउन डायरेक्शन में तो वो एरो के फॉर्म में एक डिस्प्ले आएगा बेसिकली जो सेकेंड गैल डिवाइस है उसको एज ए कॉम्बिनेशन सर्किट के तौर पर प्रोग्राम किया हुआ है इसके जो इनपुट्स हैं वो डायरेक्शन इन्फॉर्मेशन है और मोशन इन्फॉर्मेशन है सो so, उससे हमें पता लगेगा कि कौन से फ्लोर पे है वन पे या टू पे जो गैल डिवाइस के आउटपुट्स हैं वो सेवन सेगमेंट आउटपुट्स डिस्प्ले हो रहे हैं जनरेट हो रहे हैं जो कि एक सेवन सेगमेंट डिस्प्ले यूनिट के साथ कनेक्टेड हैं सो वो हम इधर डिस्कस नहीं करेंगे वो काफ़ी सिंपल हैं वो अगर आप टेक्सट बुक में पढ़ लें आपको समझ आ जाएगी नेक्स्ट एग्ज़ाम्पल जो देख रहे हैं वो भी एक बड़ी इंटरेस्टिंग एग्ज़ाम्पल है जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है वो भी एक सिक्वेंशल स्टेट मशीन है वो कैसे काम करती हैं आइए उसको समझते हैं लेट अस सपोज कि एक आपके पास चुराहा है चार सड़कें आ रही हैं सो so, एक नॉर्थ साउथ डायरेक्शन में सड़क है और एक दूसरी ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में सड़क है जो आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ऑफ़कोर्स आपको ट्रैफिक लाइट्स इंस्टॉल करनी है जो कि ट्रैफिक को रेगुलेट कर रहे हैं इन चार सड़कों में डे टाइम में ट्रैफिक क्योंकि ज़्यादा होती है तो जो ट्रैफिक सिग्नल है वो एक ख़ास सीक्वेंस से ग्रीन लाइट को ऑन करेगा रेड लाइट को ऑन करेगा येलो लाइट को ऑन करेगा सो so, ट्रैफिक क्योंकि ज़्यादा है तो हम ये कहते हैं कि जो ग्रीन टाइम है वो फाइव मिनट्स का है सो फाइव मिनट्स के लिए ग्रीन होगा फिर स्विच कर जाएगा येलो फिर रेड पे और फिर दोबारा फाइव मिनट के लिए ग्रीन होगा इन सोन रात को जब ट्रैफिक कम होती है तो हम फाइव मिनट्स के लिए ग्रीन नहीं रखेंगे हम बेसिकली एक मिनट के लिए उसको ग्रीन रहने देते हैं दूसरा हम ये कर रहे हैं कि उसको इंटेलिजेंटली कंट्रोल कर रहे हैं हर सड़क में हमने एक इंडक्टर लूप बरी किया हुआ है सो बेसिकली जब भी गाड़ी उस इंडक्टर लूप के ऊपर आके रुकेगी तो हमें पता लग जाएगा कि गाड़ी उधर वेट कर रही है <coughs> या अगर एक गाड़ी आ रही है तो एक और इंडक्टर लूप लगा हुआ है उसके ऊपर से अगर गुजरेगी तो हमें पता लग जाएगा कि एक गाड़ी अराइव की है उस चौराहे पर सो so इन इनपुट्स की मदद से हम ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल कर सकते हैं सो so, रात को लेट अस सपोज के नॉर्थ साउथ जो रोड सेक्शन है उस पर एक गाड़ी खड़ी है ईस्ट वेस्ट से एक गाड़ी आ रही है सो so, जो ही वो इंडक्टर जो लूप्स हैं उसके ऊपर से गुजरेगी डिटेक्ट हो जाएगी ट्रैफिक लाइट जो है उस सेक्शन की वो रेड हो जाएगी उस गाड़ी को रोकेगी और जो दूसरा सेक्शन है नॉर्थ साउथ जिसमें गाड़ी रुकी हुई है उसकी लाइट ग्रीन हो जाएगी उसको चलने देगी इसी तरह जब वन मिनट ख़त्म हो जाएगा तो ईस्ट वेस्ट जो सेक्शन है जिसमें गाड़ी रुकी हुई है उसको भी ग्रीन कर देगी वो भी गुजर जाएगी आइए देखते हैं इस रोड सेक्शन को देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स कहाँ लगी हुई हैं इंडक्टर लूप्स कहाँ लगे हुए हैं उसके बाद हम डिस्क्राइब करते हैं कि इनपुट सिग्नल्स किस किस्म के होंगे कितने होंगे और आउटपुट सिग्नल्स कितने होंगे सो so, आइए देखते हैं उस रोड सेक्शन को डायग्राम में एक रोड सेक्शन दिखाया गया सो so, जो वर्टिकल रोड्स नज़र आ रही हैं वो नॉर्थ साउथ की डायरेक्शन में हैं और जो हरिजेंटल रोड्स दिखाई गई हैं वो ईस्ट वेस्ट डायरेक्शन में हैं हर कोने में एक ट्रैफ़िक सिग्नल दिखाया गया है सो ऊपर रेड है बीच में येलो है नीचे ग्रीन है दो सेंसर्स हैं सो ट्रैफिक लाइट के करीब चौराहे के करीब जो है सेंसर वन आइडेंटिफाई किया गया और उससे पहले जो है सेंसर टू आइडेंटिफाई किया गया सो अगर गाड़ी चौराहे के पास रुकी हुई है सेंसर वन के ऊपर खड़ी है सो सेंसर वन एक्टिवेट हो जाएगा ये बताएगा कि इधर एक गाड़ी वेट कर रही है इसी तरह अगर पीछे से कोई गाड़ी आ रही जो जो ही सेंसर टू क्रॉस करेगी पता लग जाएगा कि एक नई गाड़ी अराइव हुई है इस इंटरसेक्शन पर जो नॉर्थ साउथ सेक्शन के जो चार सेंसर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं सो so, ये सेंसर्स बता रहे हैं कि नॉर्थ साउथ रोड सेक्शन पे कितनी गाड़ियाँ खड़ी हैं कितनी आ रही हैं इसी तरह जो ईस्ट वेस्ट सेक्शन के जो चार सेंसर्स हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं और जो ही कोई इस सेक्शन पे गाड़ी आएगी या वेट कर रही है तो ये सेंसर एक्टिव हो जाएंगे तो बताएंगे कि इस सेक्शन पे गाड़ियाँ मौजूद हैं सो so, इन सेंसर्स की मदद से हम ट्रैफिक सिग्नल को कंट्रोल कर रहे हैं अभी हमने एक रोड इंटरसेक्शन देखा सो so चार सड़कें आपस में आके मिल रही हैं सो नॉर्थ साउथ सेक्शन है और ईस्ट वेस्ट सेक्शन है हमने ट्रैफिक सिग्नल्स देखे और सेंसर्स देखे जिनकी मदद से हम ट्रैफिक लाइट जो है उसको कंट्रोल करें सिग्नल्स को कंट्रोल कर रहे हैं बेसिकली हमने ये बताया कि डे टाइम में क्योंकि ट्रैफिक हैवी है तो हम सेंसर्स को यूज़ नहीं कर रहे हम फिक्स टाइम पीरियड के बाद हर फाइव मिनट के बाद हम सिग्नल्स को साइकिल कर रहे हैं सो लेट्स से फाइव मिनट के लिए ग्रीन ऑन होगा उसके बाद फिर रेड होगा फिर दोबारा फाइव मिनट के लिए ऑन हो गया एंड सो ऑन रात के टाइम में नाइट टाइम में जब ट्रैफिक डेंसिटी कम है कम व्हीकल्स क्रॉस कर रहे हैं उस इंटरसेक्शन को यूज़ कर रहे हैं तो हम सेंसर्स को यूज़ कर रहे हैं सेंसर जो ही एक व्हीकल को डिटेक्ट करेगा उसकी मदद से हम ट्रैफिक लाइट को के सीक्वेंस को चेंज कर सकते हैं कंट्रोल कर सकते हैं उसमें so, सो इस पर्टिकुलर ट्रैफिक कंट्रोलर के कितने इनपुट्स होंगे किस किस्म के इनपुट्स होंगे आउटपुट्स कितने होंगे और किस किस्म के आउटपुट्स होंगे पहले हम बात करते हैं इनपुट्स पर बेसिकली हमने ये बताया था कि नॉर्थ साउथ सेक्शन पर जितने भी सेंसर्स हैं चार सेंसर्स uh, हैं वो आपस में कनेक्टेड हैं जब भी ये सेंसर जो चार सेंसर्स में से कोई भी एक सेंसर एक्टिव होगा ये इंडिकेट कर रहा है कि नॉर्थ साउथ सेक्शन पे गाड़ी मौजूद है इसी तरह जो ईस्ट वेस्ट सेक्शन में चार सेंसर्स लगे हुए हैं वापस में कनेक्टेड हैं इनमें से कोई एक सेंसर अगर एक्टिव है दैट मीन्स कोई एक गाड़ी उस ईस्ट वेस, वेस्ट वेस्ट सेक्शन पर मौजूद है सो so बेसिकली दो इनपुट्स तो हमें आ रहे हैं सेंसर्स से सो so, नॉर्थ साउथ के जो सेंसर्स हैं उनसे एक इनपुट आ रहा है और ईस्ट वेस्ट के जो सेंसर्स हैं उनसे एक इनपुट आ रहा है दो जो इनपुट्स हैं वो हमें टाइमर से मिल रहे हैं डे टाइम में हर पाँच मिनट के बाद आपने स्टेट चेंज करनी है ग्रीन से येलो करनी है येलो से रेड करनी है वापस ग्रीन पे आनी है सो जो टाइमर है वो आपको हर फाइव मिनट के बाद एक्टिवेट हो रहा है या एक पल्स दे रहा है सो इसको हम कहेंगे लॉन्ग टाइम क्योंकि ये फाइव मिनट की ड्यूरेशन के बाद हमें एक पल्स दे रहा है रात को जो हम कह रहे थे कि जो मैक्सिमम टाइम है वो वन मिनट रखा हुआ है साइकिल टाइम और अगर सेंसर भी एक्टिवेट होते हैं तो उसको हम टाइम को चेंज भी कर सकते हैं सो so, रात के लिए जो टाइमर का आउटपुट है वो हम कहेंगे शॉर्ट टाइम या एस टाइम कहेंगे सो so, बेसिकली इसका जो टाइमिंग इंटरवल है वो वन मिनट का है सो so, टोटल हमारे पास चार इनपुट हो गए दो सेंसर से और दो टाइमर से अब भाई बात करते हैं कि आउटपुट्स कितने होंगे बेसिकली हमारे पास नॉर्थ साउथ सेक्शन को अगर देखा जाए तो उस सेक्शन पे एक ग्रीन लाइट है येलो लाइट है और रेड लाइट है उसको हमने ऑन एंड ऑफ करना है डिफरेंट स्टेट्स में इसी तरह ईस्ट वेस्ट सेक्शन पे अगेन ग्रीन लाइट है येलो लाइट है और रेड लाइट है उसको भी हमने डिफरेंट सीक्वेंसेस में ऑन ऑफ़ करना है डिपेंडिंग ऑन द स्टेट्स सो हमारे पास छः आउटपुट्स हैं तीन जो आउटपुट्स हैं वो ग्रीन येलो रेड लाइट जो है नॉर्थ सेक्शन के लिए उसको ऑन ऑफ़ करेगा और जो तीन आउटपुट्स हैं वो ईस्ट वेस्ट सेक्शन में जो तीन लाइट्स हैं उनको ऑन ऑफ़ करेगा एक और हमारे पास आउटपुट है बेसिकली जो टाइमर रीसेट है हम ये कह रहे हैं कि डे टाइम में ग्रीन लाइट अगर फाइव मिनट के लिए ऑन है तो फाइव मिनट के बाद हमने स्टेट चेंज की और टाइमर को दोबारा से रीसेट कर देना ताकि वो नेक्स्ट फाइव मिनट्स काउंट करें सो बेसिकली रीसेट कैसे करेंगे वो एक आउटपुट सिग्नल है जो सिक्वेंशल सर्किट जनरेट करेगा जिससे हम टाइमर को रीसेट कर रहे हैं तो ये जो है आउटपुट जो है टाइमर रीसेट का ये एक सातवां आउटपुट सिग्नल है नेक्स्ट हम बात करते हैं इसके स्टेट डायाग्राम की कितनी स्टेट्स होंगी और कौन सी इनिशियल स्टेट होगी कौन से इनपुट्स होंगे जिसकी वजह से नेक्स्ट स्टेट पे चेंज होगा सो so, आइए डिस्कस करते हैं स्टेट डायग्राम ऑफ दिस ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर हम इज्यूम करते हैं कि जो इनिशियल स्टेट है वो है ग्रीन नॉर्थ साउथ सेक्शन पे दैट मीन्स नॉर्थ साउथ सेक्शन पे जो ट्रैफिक सिग्नल लगा हुआ वो ग्रीन है अब अगर डे टाइम है तो जो ही फाइव इंटरवल फाइव मिनट का इंटरवल कंप्लीट हुआ तो हम स्टेट शिफ्ट कर देंगे या स्विच कर जाएंगे येलो पे सो so बेसिकली जो टाइमर से हमें एक सिग्नल मिल रहा है वो फाइव मिनट के बाद एक्टिव हो जाएगा और हम स्टेट को चेंज कर देंगे अगर नाइट टाइम है तो हम एक मिनट के बाद लेट्स जूँ कि कोई ट्रैफिक नहीं आ रही दोनों सेक्शंस पे ईस्ट वेस्ट या नॉर्थ साउथ पे तो जब भी जो ही एक मिनट कंप्लीट होगा हम स्टेट को ग्रीन से येलो पे चेंज कर रहे हैं तो ये दो बड़े सिंपल से इनपुट कंडीशन हैं जिसकी वजह से हम ग्रीन से येलो पे शिफ्ट कर रहे हैं डे टाइम में एंड नाइट टाइम में अब हम दूसरी इनपुट्स की बात कर रहे हैं लेट्स से कि दोनों सेक्शन पे कोई गाड़ी नहीं आ रही नाइट टाइम में तो फिर क्या होगा क्या हम जो स्टेट है चेंज करेंगे नहीं करेंगे बेसिकली हम स्टेट एक मिनट के बाद ही चेंज कर रहे हैं लेट अस सपोज कि नॉर्थ साउथ सेक्शन पे गाड़ी आ रही फिर क्या करेंगे या अगर सिर्फ ईस्ट वेस्ट सेक्शन पर गाड़ी आ रही है फिर क्या होगा या दोनों जो सेक्शन हैं नॉर्थ साउथ और ईस्ट वेस्ट दोनों सेक्शन में गाड़ियाँ आ रही हैं तो फिर किस स्टेट पर जाएँगे आइए देखते हैं इस कंडीशन को इन कंडीशन को एक फ्लो चार्ट की मदद से फ्लो डायग्राम की मदद से फ्लो चार्ट दिखाई गई है बिटवीन स्टेट्स नॉर्थ साउथ ग्रीन एंड नॉर्थ साउथ येलो बेसिकली दो स्टेट्स हैं इनिशियल स्टेट जो है नॉर्थ साउथ सेक्शन में जो ट्रैफिक सिग्नल है वो ग्रीन पे है और जो दूसरी स्टेट है वो नॉर्थ साउथ सेक्शन पे ट्रैफिक सिग्नल येलो है सो so, कौन से कंडीशंस हैं जिसकी वजह से हम नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट से नॉर्थ साउथ येलो स्टेट पे जा रहे हैं सो so, पहले तो कंसिडर करते हैं कि डे टाइम है सो डे टाइम अगर एल टाइम जो है अगर वो एक्टिव है वन है दैट मीन्स फाइव मिनट्स कंप्लीट हो गए सो so, अगर हम एन एस ग्रीन या नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट में थे हम चेंज कर जाएंगे स्विच कर जाएंगे नॉर्थ साउथ येलो स्टेट में अगर एल टाइम इनपुट जो है वो जीरो है एक्टिव नहीं है दैट मीन्स अभी फाइव मिनट्स कम्प्लीट नहीं हुए तो हम रहेंगे नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट में ही जैसा कि डायग्राम में दिखाया गया इसी तरह अगर नाइट टाइम है तो उधर जो ड्यूरेशन है ग्रीन लाइट की वो वन मिनट की है सो so, वो रिप्रेजेंट हो रही है टाइमर के एस टाइम आउटपुट से सो एस टाइम इनपुट है सीकवेंशल स्टेट मशीन के लिए अगर ये वन है तो हम नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट से नॉर्थ साउथ येलो स्टेट में शिफ्ट कर जाएंगे अगर एस टाइम जो कि टाइमर से आउटपुट है और स्टेट मशीन का इनपुट है वो ज़ीरो है तो हम नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट में ही रहेंगे क्योंकि एक मिनट कंप्लीट नहीं हुआ अब हम दूसरी कंडीशन देखते हैं कि जो कि सेंसर से हमें आ रहे हैं सो so, सबसे पहला जो कंडीशन हम चेक कर है रहे हैं वो है ईस्ट वेस्ट सेंसर से जो आउटपुट आ रहा है एंड नॉर्थ साउथ सेंसर बार सो दिस मीन्स ईस्ट वेस्ट सेंसर एक्टिव है और नॉर्थ साउथ सेंसर जो है वो इनएक्टिव है अब ये बता रहा है कि ईस्ट वेस्ट सेंसर ने एक गाड़ी डिटेक्ट की है दैट मीन्स ईस्ट वेस्ट सेक्शन पर गाड़ी अप्रोच कर रही है सो so, अगर ये वन है सो दैट मीन्स आपने नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट पे ही रहना है जो नॉर्थ साउथ सेक्शन की ग्रीन लाइट है वो ऑन ही रहेगी ईस्ट वेस्ट से जो गाड़ी आ रही है उसको रुकना पड़ेगा अगर ये कंडीशन ज़ीरो है तो आप नेक्स्ट कंडीशन को चेक करेंगे नेक्स्ट कंडीशन क्या है ई डब्ल्यू एस आर डॉट एन एस एस आर बेसिकली ईस्ट वेस्ट सेंसर भी एक्टिव हो गया और नॉर्थ साउथ सेंसर भी एक्टिव हो गया दैट मीन्स दोनों सेक्शन से गाड़ियाँ अप्रोच कर रही हैं अब क्या करना है बेसिकली अगर ये एक्टिव है तो आप नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट से स्विच कर रहे हैं नॉर्थ साउथ येलो स्टेट में सो so, ग्रीन से आपने इमिजिएटली येलो स्टेट पे चेंज हो गया इसके बाद आप रेड स्टेट पे चेंज हो जाएंगे अगर ये फॉल्स है दैट मीन्स ई डब्ल्यू एस आर एंड एन एस एस आर ये फॉल्स हैं ज़ीरो हैं दैट मीन्स ये कंडीशन ट्रू नहीं है आप नेक्स्ट कंडीशन चेक करेंगे सो नेक्स्ट कंडीशन क्या है बेसिकली एन एस एस आर बार सो so, ये बता रहा है कि अगर नॉर्थ साउथ सेक्शन पे कोई गाड़ी नहीं है तो आप नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट में ही रहेंगे ग्रीन सिग्नल जो है वो ऑन ही रहेगा अगर इस सेक्शन पे गाड़ी है दैट मीन्स एन एस एस आर बार जो है ये ज़ीरो हो गया दैट मीन्स एक गाड़ी अप्रोच कर रही है तो आपने इस ट्रैफिक uh, लाइट को रेड कर देना और स्टेट स्विच कर रहे हैं सो दैट मीन्स ज़ीरो पे आप ग्रीन स्टेट से नॉर्थ साउथ येलो स्टेट पे शिफ्ट कर रहे हैं आइए इसके स्टेट डायग्राम को ब्रीफली डिस्क्राइब कर लेते हैं अभी जो हमने डिस्क्राइब किया बेसिकली दो स्टेट को डिस्क्राइब किया नॉर्थ साउथ ग्रीन से नॉर्थ साउथ येलो पे किन कंडीशन की वजह से स्विच कर रहे हैं सो so, दो स्टेट्स तो ये होगी नॉर्थ साउथ येलो के बाद नेक्स्ट स्टेट क्या होगी बेसिकली नॉर्थ साउथ येलो टू होगी येलो में बेसिकली येलो लाइट ऑन कर दिए और नॉर्थ साउथ येलो टू जो है उसमें भी येलो लाइट ऑन है कि दो डिफरेंट स्टेट्स की हमने येलो लाइट की रखी के लिए रखी हुई है बेसिकली नॉर्थ साउथ येलो टू जो है उसमें हम एक और आउटपुट को एक्टिवेट करेंगे जो कि टाइमर को रीसेट कर रहा है सो नॉर्थ साउथ येलो जो स्टेट है उसमें टाइमर के आउटपुट को रीसेट टाइमर को रीसेट नहीं कर रहा सो नॉर्थ साउथ येलो स्टेट से ऑटोमेटिकली आफ्टर क्लॉक पल्स हम शिफ्ट कर जाएंगे नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट पर नॉर्थ साउथ येलो टू स्टेट के बाद हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर रहे हैं नॉर्थ साउथ रेड स्टेट पे दैट मीन्स नॉर्थ साउथ सेक्शन की जो रेड लाइट है वो ऑन हो गई है इसके बाद हम अगेन ऑटोमेटिकली स्विच कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट ग्रीन स्टेट पे दैट मीन्स ईस्ट वेस्ट सेक्शन की जो ग्रीन लाइट है वो ऑन होगी ऑफ कोर्स नॉर्थ नॉर्थ साउथ सेक्शन की जो लाइट है वो रेड हो चुकी हुई है ईस्ट वेस्ट जो ग्रीन स्टेट है अगेन यही कंडीशन होंगे अगर रात का टाइम है तो कुछ और इनपुट कंडीशन हैं अगर दिन का टाइम है तो अगेन जो फाइव मिनट का टाइमर है इनपुट है उसको हम यूज़ कर रहे हैं सो so, इन कंडीशन की वजह से हम स्विच कर जाएंगे ईस्ट वेस्ट येलो स्टेट में अगेन ईस्ट वेस्ट येलो स्टेट से हम ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट पर स्विच कर रहे हैं अगेन ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट जो डिफरेंट है ईस्ट वेस्ट येलो स्टेट से उसमें सिंपली हम टाइमर को रीसेट कर रहे हैं ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट से हम ईस्ट वेस्ट रेड स्टेट में जा रहे हैं और ईस्ट वेस्ट रेड स्टेट से हम वापस इनिशियल स्टेट पे आ रहे हैं नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट पे। सो so बेसिकली ये टोटल एट स्टेट्स बन रही हैं ये बात करते हैं कि ये जो पीएलडी है इसको कैसे प्रोग्राम करेंगे ताकि हम एज ए ट्रैफिक कंट्रोलर यूज़ कर सकें उसमें सो अगेन जैसे हम पहले करते आ रहे हैं पेंस हमने डिक्लेयर करनी कौन से इनपुट पेंस हैं कौन सी आउटपुट पेंस हैं उसके बाद हमने स्टेट डायग्राम इम्प्लीमेंट करना है या डिस्क्राइब करना है जिसकी वजह से वो हम जो पीएलडी है एक ट्रैफिक कंट्रोलर के तौर पे काम करेगा सो so आइए पहले देखते हैं पिन डेफिनेशन इनपुट पेंस कौन सी हैं आउटपुट पेंस कौन सी हैं पिन डेकोरेशन में हमें पाँच इनपुट दिखाई दे रहे हैं पहला जो इनपुट है वो क्लॉक इनपुट है जिसकी मदद से हम ऑफकोर्स स्टेट एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे स्विच कर रहे हैं जो नीचे चार इनपुट्स दिखाए गए हैं एन एस एस आर नॉर्थ साउथ सेक्शन पे जो चार सेंसर्स हैं उनका इनपुट आ रहा है दूसरा जो है ई डब्ल्यू एस आर ईस्ट वेस्ट सेक्शन पे जो चार सेंसर्स लगे हैं उनका इनपुट आ रहा time, है एल टाइम जो टाइमर का लॉन्ग टाइम है फाइव मिनट का जो इंटरवल है वो इस पिन पे अवेलेबल है एस टाइम शॉर्ट टाइम जो वन मिनट का इंटरवल है ये टाइमर का आउटपुट जो है इस पिन पे कनेक्ट होगा सो so, ये चार जो इनपुट्स हैं ये पिन टू थ्री एट एंड नाइन पे अवेलेबल हैं जो आउटपुट्स हैं हमने शुरू में आउटपुट्स की बात की थी कि छः लैंप्स हैं ग्रीन येलो रेड नॉर्थ साउथ सेक्शन के लिए और इसी तरह ग्रीन येलो रेड ईस्ट वेस्ट सेक्शन के लिए जिनको हमने ऑन एंड ऑफ करना है बेसिकली वो हम एक अलग गैल डिवाइस पे इंप्लीमेंट करेंगे इस गैल डिवाइस पे हम तीन आउटपुट्स जनरेट कर रहे हैं जो कि स्टेट वेरिएबल्स हैं हमने अभी डिस्कस किया एट स्टेट्स हैं तो हमें तीन स्टेट वेरिएबल्स चाहिए जो कि इन एट स्टेट्स को डिटर्मिन करेंगे सो so, जो तीन स्टेट वेरिएबल्स हैं आउटपुट वेरिएबल्स जो हैं क्यू जीरो क्यू वन क्यू टू वो पेन्स सेवनटीन सिक्सटीन फिफ्टीन पे अवेलेबल हैं ये क्योंकि फ्लिप फ्लॉप्स के आउटपुट हैं इसलिए इनको हमने डिफ़ाइन किया हुआ है ऑफ टाइप रजिस्टर और ये इन्वर्टेड आउटपुट्स हैं तो हमने रजिस्टर डॉट इन्वर्ट डिफाइन किया हुआ इनको इसी तरह जो टाइमर रीसेट है वो भी आउटपुट सिग्नल है जिसकी वजह से हम टाइमर को रीसेट कर रहे हैं अब ये जो रीसेट सिग्नल है ये एक कॉम्बिनेशनल सिग्नल का आउटपुट है सो तो ये आउटपुट सिग्नल अवेलेबल है पिन 14 पे और हमने इसको डिफ़ाइन किया हुआ है एज कॉम्बिनेशनल आउटपुट और ये भी इन्वर्टेड आउटपुट के फॉर्म में अवेलेबल है नेक्स्ट जो हमने काम करना है वो बेसिकली जो ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर है उसकी एक्सप्रेशन डिफ़ाइन करनी है वो हमने शुरू में कहा था कि हम इक्वेशन के फॉर्म में नहीं लिखेंगे एक स्टेट डायग्राम के तौर पे डिफाइन करेंगे सो स्टेट डायग्राम को डिफ़ाइन करने के लिए हमने स्टेट्स पहले डिफ़ाइन करनी है जब स्टेट्स डिफाइन कर लेंगे फिर अगेन स्टेटमेंट्स लिखेंगे कि इनिशियल स्टेट ये है नेक्स्ट स्टेट क्या होगी सो इफ़ देन एल्स स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे या गो टू स्टेटमेंट्स यूज़ करेंगे सो so, आइए पहले देखते हैं कि ये डिफरेंट स्टेट्स डिफाइन कैसे हुई हैं उसके बाद हम स्टेट डायग्राम की स्टेटमेंट्स लिखेंगे स्टेट डेफिनेशंस में हमारे पास एट स्टेट्स हैं सो नॉर्थ साउथ ग्रीन जो कि रिप्रेजेंट हो रहा है 000 से नॉर्थ साउथ येलो 001 से नॉर्थ साउथ येलो 2011 से नॉर्थ साउथ रेड 010 से ईस्ट वेस्ट ग्रीन स्टेट जो है 110 से रिप्रेजेंट हो रहा है ईस्ट वेस्ट येलो जो है 111 से रिप्रेजेंट हो रहा है ईस्ट वेस्ट येलो टू जो है वन से रिप्रजेंट हो रहा है और ईस्ट वेस्ट रेड जो है वन से रिप्रजेंट हो रहा है इधर अगर आप स्टेट डेफिनेशन को देखें ज़ीरो 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 है पहला स्टेट उसके बाद जीरो ज़ीरो वन हो गया जो ही हम एक स्टेट से दूसरी स्टेट पे जा रहे हैं तो हमने कोशिश की है कि जो बिट चेंजेस है, हैं वो मिनिमम रखें सो हर एक स्टेट से जब दूसरे स्टेट पे चेंज हो रहे हैं तो एक ही बिट चेंज हो रहा है सो so, जैसा कि ई डब्ल्यू आर से ईस्ट वेस्ट रेड है उससे वापस जब हम नॉर्थ साउथ ग्रीन पे जा रहे हैं तब भी एक बिट चेंज हो रहा है अब इन स्टेट डेफिनेशंस के बाद हम स्टेट डायग्राम को डिफ़ाइन कर सकते हैं सो so, आइए देखते हैं स्टेट डायग्राम को पहली जो स्टेट है इट्स नॉर्थ साउथ ग्रीन जो इनिशियल स्टेट है अब नेक्स्ट स्टेट क्या होगी वो जो हमने फ्लो चार्ट में हमने कंडीशन डिस्क्राइब किए थे वही हम इधर स्टेटमेंट्स के तौर पर लिख रहे हैं सो इनिशियल स्टेट अगर है नॉर्थ साउथ ग्रीन नेक्स्ट स्टेट होगी इफ़ एस टाइम बार देन नॉर्थ साउथ ग्रीन अगर एस टाइम बार दैट मीन्स जीरो है तो हम नॉर्थ साउथ ग्रीन पे ही रह रहे हैं दैट मीन्स जो शॉर्ट टाइम है वह वन मिनट का इंटरवल कंप्लीट नहीं हुआ एल्स इफ लॉन्ग टाइम देन नॉर्थ साउथ येलो दैट मीन्स लॉन्ग टाइम अगर कंप्लीट हो गया एक्टिव हो गया तो हम नॉर्थ साउथ येलो स्टेट पे चेंज हो गए इस तरह नीचे जो कंडीशन दिए हुए हैं वो वही कंडीशन हैं जो फ्लो चार्ट में डिस्क्राइब किए हुए थे सो ईस्ट वेस्ट सेंसर एंड नॉर्थ साउथ सेंसर बार अगर ये ट्रू है तो फिर हम ग्रीन स्टेट में ही रहेंगे अगर नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक कर रहे हैं अगर ईस्ट वेस्ट सेंसर एंड नॉर्थ साउथ सेंसर दोनों ट्रू हैं तो हम येलो स्टेट में शिफ्ट कर जाएंगे। अगर ये ट्रू नहीं है तो नेक्स्ट कंडीशन को चेक कर रहे हैं अगर नॉर्थ साउथ सेंसर बार ट्रू है तो हम नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट में ही रहेंगे वरना हम नॉर्थ साउथ येलो स्टेट में शिफ्ट कर जाएँगे नेक्स्ट जो स्टेट है नॉर्थ साउथ येलो है इधर से हमने जो स्टेटमेंट यूज़ किए गो टू नॉर्थ साउथ येलो टू सो इधर हम कोई कंडीशन चेक नहीं कर रहे ऑटोमेटिकली जू ही क्लॉक पल्स आएगा हम नॉर्थ साउथ येलो स्टेट से नॉर्थ साउथ येलो टू पे शिफ्ट कर रहे हैं या चेंज कर रहे हैं इसी तरह नॉर्थ साउथ येलो टू जो है अगर वो इनिशियल स्टेट है जू ही क्लॉक पल्स आया हम ऑटोमेटिकली शिफ्ट कर जाएंगे चेंज कर जाएंगे नॉर्थ साउथ रेड स्टेट पे इसी तरह अगर नॉर्थ साउथ रेड जो है इनिशियल स्टेट है क्लॉक पल्स पे हम स्विच कर जाएंगे ईस्ट वेस्ट ग्रीन स्टेट पे ईस्ट वेस्ट ग्रीन स्टेट अगर इनिशियल स्टेट है तो अगेन जो हमने नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट के लिए कंडीशन चेक किए थे वही कंडीशन इधर चेक हो रहे हैं इसी तरह ईस्ट वेस्ट येलो स्टेट से हम ईस्ट वेस्ट येलो टू पे शिफ्ट कर रहे हैं और ईस्ट वेस्ट येलो टू स्टेट से ईस्ट वेस्ट रेड स्टेट पे शिफ्ट कर रहे हैं और ईस्ट वेस्ट रेड स्टेट से हम नॉर्थ साउथ ग्रीन स्टेट पे शिफ्ट कर रहे हैं अभी हमने ट्रैफिक लाइट कंट्रोलर का स्टेट डायग्राम डिफाइन किया अभी कुछ और चीज़ें कुछ इक्वेशंस हैं वो हमने डिफाइन करनी है और आगे जो ट्रैफिक लाइट का कंट्रोल सर्किट है कैसे स्विच करेंगे वो हम डिफ़ाइन करना है हमने वो आइंदा इनशाला नेक्स्ट लेक्चर में देखेंगे स्ट्रीट डायग्राम और ये जो इन्फॉमेसन हमने अभी डिस्क्राइब की है ये काइंडली ज़रा रिवाइज़ करके आइएगा ताकि हम नेक्स्ट जो लेक्चर में आइंदा जो टॉपिक्स डिस्कस करें वो कंटिन्यू कर सकें इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में दोबारा मिलेंगे अपना ख्याल रखिएगा खुदा हाफिज़ और वा, अस्सलाम वालेकुम